So this song is released under the label of Digya Music. So I want to invite Mr. Kamal Digya, the producer of Pallo Ladke, on stage. Kamal Digya is the liquor king from Delhi, Faridabad, and Digya Music is the brainchild. Yes. So Sahil Sandho is the biggest director in the Haryanvi music industry. He is also the director for the YouTube's highest viewed song, Bawan Gaj Ka Daman. I'm sure everybody has heard this song, right? So here we are for the celebration of Pallo Ladke. So what are we waiting for? Let's cut the cake, let's stir the birthday. Awesome, madam, let's start. Karte. Yeah, yo. Yeah? Yes. Thank you. Aye. Guys, the birthday celebration starts now. Maybe we can all sing it together for her, the birthday song. Chaliye. Bye. I think इससे better celebration नहीं हो सकता था double celebration together. I always wanted to do this कि अपने birthday वाले दिन मैं कुछ ऐसा एक नया project launch करूँ और last year भी नहीं हो पाया था because of COVID we couldn't release the song और जब मेरा butterfly वाले release हुआ था तो मुझे सबने ये बोला कि COVID चल रहा है party song है कोई नहीं सुनेगा इस वक्त clubs नहीं चल रहे हैं weddings events नहीं हो रहे हैं so this year I'm finally able to do it thanks to Kamal ji and Digya Music कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं बर्थडे वाले दिन डबल सेलिब्रेशन का मजा उठा सकूं। कमल जी आपसे चाहूंगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ क्या प्रेरित किया आपको म्यूजिक में आने के लिए ये बस काम करते करते मतलब लगा कि मुझे मेरा पैशन था कि मैं म्यूजिक लेबल करूं या मैं काम करूं इसके अंदर तो बस इसके लिए हमने ये काम इन्वेस्टमेंट तो दोनों ही जगह होता है फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप भले ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में है या किसी भी इंडस्ट्री में फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो यस आई वाज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर मैं लंदन में काम कर रही थी वापस इंडिया आके मुझे ऐसा लगा कि द बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन आई वॉन्ट टू फॉलो आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे मुझे एक्चुअली में मज़ा आता हो करने में सो दिस इज़ अ रीज़न वाई आई डिसाइडेड कि टू गेट इन टू बैक इन टू यू नो फील्ड ऑफ मीडिया During school times, I used to work for beauty pageants. I was Miss India finalist. I was Miss North India winner. But because of the studies and all, I couldn't pursue that further. So after leaving my job in investment banking, I finally decided that I have to get into the field of music. So that's how I did, and I'm actually enjoying it thoroughly. ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर आपका कोई एक सॉन्ग एक नंबर हिट कर जाता है अब जैसे साहिल जी का एक सॉन्ग है बावन गज का दामन जो विच इज़ द हाईएस्ट व्यूड सॉन्ग ऑन यूट्यूब राइट तो उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी थी कि बॉलीवुड हरियाणवी स्टाइल में कैसे उस सॉन्ग को दिखाएं कि यू नो हमेशा आपको पिछले प्रोजेक्ट से बेटर करना होता है सो फॉर मी इट वॉज द सेम मेरा लला लोरी 400 मिलियन क्रॉस कर गया My butterfly wale is doing pretty well with Meet Brothers. दो हफ्ता पहले करेरा आया था which is also doing pretty well. So जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगला प्रोजेक्ट ऑडियंस को कुछ ऐसा दे जो पहले से अलग हो और बेहतर हो जी वेल एक्चुअली पल्लो लटके इज़ अ फोक वर्ड राजस्थानी फोक वर्ड जो कई सारे वर्जन्स आए हैं इस सॉन्ग के अगर आप यूट्यूब पे पल्लो लटके डालें सो देर बी लॉट ऑफ वर्जन्स ऑफ दिस सॉन्ग रिसेंटली अभी एक बॉलीवुड मूवी में भी आया था इसका सॉन्ग बट दिस वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसका कोई रेफरेंस नहीं लिया गया था किसी भी सॉन्ग से दिस इज़ अ कम्प्लीट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट इन इट सेल्फ और इसमें हमने
हाँ हमने पल्लो यूज़ नहीं किया, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे याद है शूट के बीच आई वाज टेलिंग साहिल जी, मैं कहा साहिल जी पल्लो लटके सॉन्ग है और पल्लो तो यूज़ ही नहीं किया हमने. कहते हैं ये हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पल्लो लटके में पल्लो नहीं होगा, इट्स कम्प्लीटली अ बॉलीवुड स्टाइल एंड हरियाणवी, जो पहले हरियाणवी इंडस्ट्री को नहीं मिला है तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली पॉप कुछ भी नहीं था इसमें, जो भी था वेस्टर्न था, हम डालने को डाल सकते थे पल्लो, बट एवरी हरियाणवी सॉन्ग हैविंग पल्लो घाघरा दामन एंड ऑल. तो माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट था कि सॉन्ग होगा वो जुड़ा हुआ होगा हरियाणा से कहीं ना कहीं, बट जो वीडियो होगी वो पूरी अलग होगी, वो कहीं उससे जुड़ी नहीं होगी. एक्सपेक्टेशंस तो सबकी बढ़ती है, जैसे कि 1 बिलियन गया मेरा फास्टेस्ट 1 बिलियन सॉन्ग है बाबा सुजा दामन, उसके बाद एक्सपेक्टेशन हमारी खुद की बढ़ती है, पब्लिक की बढ़ती है कि नेक्स्ट क्या पता इससे बढ़ा जाए, बट हम कोशिश करते रहते हैं कि हाँ भाई कुछ अच्छा करें, लोगों को कुछ अच्छा दिखाएं, क्योंकि इतना प्यार उसको दिया, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आए उसको और प्यार मिले, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती अगर अपने आप से पूछा जाए तो, कि क्या एक्सपेक्टेशंस है. हम हर बार अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ऊपर करने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 52 गज का दामन मुकेश जाजी ने लिखा है बेसिकली, उन्होंने और भी गाने दिए हैं मतलब, लेकिन क्या है वो तो पब्लिक का प्यार था जो वो 1 बिलियन गया, तो अब फिर से प्यार पब्लिक कैसे देगी, वो पब्लिक के ऊपर, आप सबके ऊपर है, आप भी खड़े ये अपने लिए, अपने लेवल के लिए बहुत अचीवमेंट की बात है कि मतलब दीप्ति मैम हमारे चैनल पे परफॉर्म कर रही हैं और इनके अभी हमारे पास 4 प्रोजेक्ट रेडी पड़े हैं जो अभी हम नेक्स्ट छोड़ने वाले हैं. तो वो किस तरह के होंगे? वो भी अल्टीमेट हैं, वो भी बहुत प्यारे सॉन्ग हैं, वो भी हमें भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते उनके बारे में, बट आने वाले टाइम में, आने वाले 2 महीने में दिखाई देंगे दिग्गज म्यूजिक पे आप सबको प्रोजेक्ट्स, और वो प्रॉपर वेस्टर्न, और मतलब एक तो हमारे भूतिया स्टाइल के ऊपर पूरा लेके गए हैं. सो वन इज अ हॉरर कॉमेडी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जॉनर्स हॉरर कॉमेडी. और कमल जी के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, तो सब जानते हैं ही इज़ अ जायंट इन दी लिकर इंडस्ट्री फ्रॉम दिल्ली NCR, पर इनके दिमाग में एक आइडिया था कि क्यों ना म्यूजिक इंडस्ट्री, बिकॉज म्यूजिक इनका पैशन है. सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, और सिर्फ 3 महीने हुए हैं दिग्गज म्यूजिक को स्टार्ट किए हुए, एंड ऑलरेडी 8 गाने रिलीज हो चुके हैं और 8 प्रोजेक्ट रेडी है जो शूट होने वाले हैं, जो रिलीज होने वाले हैं. और अभी रिसेंटली एक सॉन्ग आया था राम माफ, जो मेरे ख्याल से हरियाणवी इंडस्ट्री का तो सबसे बड़ा लेवल के प्रोजेक्ट है. सो अगर आपने राम माफ नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें, और उसमें जो मेल लीड है वो कमल जी है, राजा महाराजा स्टाइल है जी. इट वॉज़ अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी एक्चुअली. जब मैं बॉम्बे में नई नई आई थी तो इंस्टेंटली आई गॉट इन टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बट फॉर सम रीज़न मैं थोड़ा सा ना कंटिन्यूटी करने से थोड़ा सा घबराती हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं चैनल्स के साथ. तो मैं एपिसोडिक्स करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और म्यूज़िक वीडियोज़ भी इसलिए करती हूँ क्योंकि इट्स वेरी क्विक, 2 डेज म्यूज़िक इज़ डन, प्रोजेक्ट इज़ डन एंड इट इज़ रिलीज. और मुझे लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ समथिंग, इंस्टेंट रिएक्शन इज समथिंग दैट आई ट्रूली इन्जॉय मोर. लाइव कॉन्सर्ट हो गए, स्टेज इवेंट्स हो गए, बट या किसी एक बड़े शो के साथ अगर आप जुड़े तो एक पॉपुलैरिटी मिलती है जो कि आसान होता है आगे के प्रोजेक्ट्स करने में. सर आपसे ये जानना चाहते हैं, गाने को रिलीज करने के लिए बैकग्राउंड का भी बहुत अहम रोल होता है, उसके लिए क्या किस प्रकार की तैयारी? उसकी तो देखो ये है कि हम मतलब हमने जैसे रिलीज किया है और बाकी का ऑडियंस ही प्यार देगी, और उसे हम हर तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. बाकी का आप लोगों का प्यार और पब्लिक का प्यार और ऑडियंस का प्यार ही हमें चाहिए. बेसिकली टेक्निकल टीम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जो आपने पूछा कि हाँ जी मैम, मैं इसका रीज़न दूंगा आपको. पल्लो लटके एक, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ, एक गीत है, इट्स अ हरियाणवी गीत, हरियाणवी और राजस्थानी गीत, तो इसके राइट्स सबके पास है. मतलब जो ये वर्ड है पल्लो लटके, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी रीराइट कर सकता है,
कोई भी रिक्रिएट कर सकता है, आप मैं भी कर सकता हूँ, आप में से कोई कर सकता है, तो उस पर कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं है। ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये मैंने नहीं किया है, ये कमल भाई ने किया है। और कमल भाई ने मुझे गाना सुनाया था कि हमारे पास एक ऐसा ऑडियो है, हम शूट करते हैं। तो बाकी कमल भाई बताएंगे इसके बारे में कि उनको क्यों उन्होंने ये चीज़ की। बताइए सर। यही पल्लो लटके पे एक आता है, जब पल्लो लटके का एक वर्ड आता है तो सबको लगता है कि मतलब साड़ी वाला कॉन्सेप्ट या पल्लो वाला। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा हम वेस्टर्न तरीके से, और पल्लो इसमें यूज ही नहीं करते हैं, तो हमने ये ऐसे क्रिएट करा कि ऑडियंस को कुछ नया लगे। हेलो, हाँ, ये पता नहीं क्यों ये मेरे साथ आप प्रॉब्लम कह सकते हैं, अच्छी भी बात है बुरी भी बात है। तो मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं एक ही शो पे 2 साल 3 साल, बिकॉज देयर इज अ स्टैग्नेंसी इन योर क्रिएटिविटी एज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को बिल्कुल एक फ्रीडम होनी चाहिए, जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सके अपने प्रोजेक्ट्स पे, लुक्स पे। तो जैसा कि आपने कहा दैट वर्सेटाइलिटी इज़ ऑलवेज देयर। आप मुझे इंडियन लुक, आपने कई मेरे गाने भी देखे, मैंने मेरा जो पहला सॉन्ग था हरियाणा रोडवेज, दैट वॉज अ इंडियन लुक अ सॉन्ग। तो बादशाह के साथ था वो सॉन्ग, उसमें कम्प्लीटली इंडियन लुक में मैं आई थी। और एक और सॉन्ग मैंने किया था अरविंदर खेरा के साथ, विच इज़ टूट जाए, विच इज़ अगेन अ इंडियन लुक। But then I did Lalla Lori with a Western look, and this is Indian and Western both. If you see, there's Indian looks also, Western looks also. तो मेरा ये मानना नहीं है कि आप किसी look से अपनी creativity को दबा सकते हैं। That versatility should always be there as an artist. नहीं तो फिर आप artist नहीं हैं, artist नहीं कहलाएंगे फिर आप। किसे dedicate? Dedicate तो नहीं, but yeah, सबसे पहले जब ये सॉन्ग शूट किया हमने, सबसे पहले जब हमने ये गाने के BTS एंड ऑल दैट, सो आई सेंड इट टू माय मॉम फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सबसे पहले कोई भी गाना मैं करती हूँ, उनको उनसे राय लेती हूँ, उनसे सुझाव लेती हूँ, और उनको एक यू नो आशीर्वाद के लिए मैं उनको हमेशा शेयर करती हूँ गाने करने से पहले। सो आई लाइक टू डेडिकेट टू हर। हम नए आर्टिस्टों को भी मौका देना चाहेंगे, और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको भी मौका देना चाहेंगे। और हमारे लेबल पर बहुत अच्छे आर्टिस्ट आने वाले हैं, अभी जो आएंगे हम एक महीने बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन आर्टिस्ट हमारे साथ और जुड़ गया। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू आप लोग के ज़रिए अपने ऑडियंस को थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने अब तक के मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया है और मिलियंस ऑफ मिलियंस को क्रॉस कराया है। तो पल्लू लटके को भी उतना ही प्यार दीजिए, और इसको 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं बल्कि 500 बावन गज के दाम से भी ऊपर ले जा सकते हैं, राइट? 1 बिलियन प्लस लेकर जाए। सॉरी, मैं आपके प्रोजेक्ट को कंपटीशन ले रही हूँ। ये भी तो मेरा ही है मैम। तो ये तो मेरी कंपनी का है, बल्कि कमल भाई मेरे भाई है। कमल भाई हम सबके भाई है। कमल भाई इज सच एन अमेजिंग पर्सन, और जैसा कि उन्होंने कहा कि नए टैलेंट को भी चांस देते हैं, ही इज नॉट रिवीलिंग राइट नाउ बिकॉज देयर सम सर्टेन प्रोजेक्ट्स अहेड। तो हाँ, पल्लू लटके को 1 बिलियन क्रॉस कराएं और अपना प्यार दे, एंड मेक एज मच रील्स एज यू कैन ऑन इट, एंड इस गाने को अपना प्यार जरूर दे। थैंक यू, थैंक यू।
दोनों पहले साथ में लुक एट सेंटर हाँ थैंक यू मैम आपका एक सोलो मैडम मैम रुकिए ना साथ में आया घड़ी कमाल लग रही है सही आप लग रही है 250 सेंट सही चला आ जा आ जा गेट पे आ जा चालू किया तूने दादा टोटू अबे अंदर आ जा चालू कर दिया जी जी म्यूजिक लेवल चालू कर दिया क्या नाम रखे म्यूजिक लेवल आ जा अब नहीं रखा है कुछ जल्द बताऊंगा क्या चलो थैंक यू या साथ में राजू सर थैंक यू भाई ओके भाई नाइस जैकेट आओ भाई आजा सर हां आजा तो रेडी है कौन ये तो बहुत कॉलेज में मैं बोलता हूँ पाजी कुछ अरे रुक जाना यार ना पहले फोटो वीडियो लोड लो थोड़ा थोड़ा जरूर ना दिखाएंगे बस आप दोनों का फिर आपका सोलो 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 मैम रुकिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने मैम आ जाइए टाइम निकाला बहुत
आपका सोलो मैं छोटू को लॉन्च करने वाला हूँ किसी कारण, ठीक है? आपका सोलो Thank you.